अभी मैं और मम्मी गोल्डन टेम्पल घूमने आए हैं, मतलब से रुकी हुई थी। इट्स 9 राइट नाउ, रात के 9 बजे और हम अभी जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे गेट्स हैं, किसी भी गेट से आइए आप, कहीं से भी आइए आप गोल्डन टेम्पल पहुँच ही जाओगे। इधर हम इधर से निकले थे, फिर हमने सोचा ये तो हमने नहीं देखा था, अभी बाद में पता चला कि देयर इमेंस नंबर ऑफ गेट्स जो आप आ सकते हो। यहाँ से भी आप पहुँचोगे, वहाँ से भी आप पहुँचोगे, और सेटअप इतना प्यारा है हर जगह, आई कैन नॉट एक्सप्रेस। आई एम सो हैप्पी दैट I chose to be here today. I'm so happy that I finally decided to visit Amritsar and especially Golden Temple. Oh my God! Ek Onkar sapna karta purakh nirbhau nirvair akal murat ajuni sabham अभी हम गोल्डन टेम्पल के अंदर है। मैं बता नहीं सकती ये कितना प्यारा व्यू है, जब तक आप खुद नहीं आके इसे एक्सपीरियंस करते मैं जितना भी बोलूँ आपको समझ नहीं आएगा। दिस इज हेवनली, दिस इज डिवाइन राइट नाउ। आई कैन नॉट बिलीव कि मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ ये। दिस इज सो ब्यूटिफुल। ये पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी जब गोल्डन टेम्पल के अंदर जाके हमने दर्शन किया, वहाँ का प्रसाद लिया और लंगर खाने का भी हमें सौभाग्य मिला। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वीडियोग्राफी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो मैं वहाँ वीडियो तो नहीं बना पाई। हमने अच्छे से दर्शन किया और उसके बाद गोल्डन टेम्पल के बाहर जो एक खूबसूरत सा मार्केट एरिया है वहाँ आ गए हम। मैं जावा में गुड़ खा के। ऑल दीज आर द मार्केट्स दैट यू विल एनकाउंटर ऑन योर वे टू द गोल्डन टेम्पल। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि ये कितना सुंदर है। हर तरफ लाइटिंग है और वो माहौल मैं जो आपको दिखा पा रही हूँ, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना प्यारा लग रहा है। बट आई ट्रूली इंसिस्ट कि प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर आइए टू एक्सपीरियंस दिस। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे इतना अच्छा लगेगा। दिस होल एरिया इज लाइटेड सो ब्यूटिफुली, हर जगह बैठने के ब्यूटिफुल सेटअप्स लगाए हुए हैं और स्टैचूज है, शॉप्स है। आप बस ऐसे ही आप घूमते रहो यहाँ पे, इवनिंग वॉक करो एंड योर इवनिंग वुड बी द बेस्ट इवनिंग यू कैन एवर एनकाउंटर। ये बहुत सुंदर है। अभी मैं और मम्मी सुबह ब्रेकफास्ट करने आए हैं। यहाँ का एक बहुत फेमस लगभग 100 साल पुराना एक ढाबा है, केसर का ढाबा, इन्होंने बोला है बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा कि आज ब्रेकफास्ट वही करेंगे। तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा है केसर का ढाबा। कितना दूर है यहाँ से भैया ढाबा? बस थोड़ी दूर है ना। दुर्गियाना मंदिर हम गली हो के आ गए। ये इतना छोटा सा रास्ता है और हम यहाँ ऐसे जा रहे, पूरी गलियों के अंदर से हर जगह, इतनी छोटी छोटी गलियों में इतना दुनिया बसा हुआ है। फाइनली हम पहुंच गए केसर का ढाबा। यही है अमृतसर का वो फेमस ढाबा जो कि 100 साल पुराना है। ये देखिए केसर ढाबा द मेन्यू, बहुत कुछ है यहाँ पे, हमने बहुत कुछ ऑर्डर भी किया है। लेट्स सी कैसा होता है। ये देखिए हमारे परांठे आ गए हैं। हमने दो अलग अलग परांठे दिए थे, एक गोभी का और यहाँ का एक स्पेशल परांठा है शायद ये वो है, और राजमा राइस, शाही पनीर, और अभी हम खाते हैं। पंजाब आए और परांठा नहीं खाया, नॉट पॉसिबल। ये है इस ढाबे का दी फेमस लस्सी, तो ये ट्राई करना तो बनता है। ढाबे के बाहर का माहौल मुझे एकदम टिपिकल पंजाब वाली फीलिंग दे रही थी।
आज हम अमृतसर से वापस जा रहे हैं और मैंने मम्मी ने डिसाइड किया कि पता नहीं कब नेक्स्ट अमृतसर वापस आना हो, तो आज हम फिर से एक बार दिन में गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने आए हैं। और ये जो आप नज़ारा देख पा रहे हो कि इतने सारे पिजन झुंड बना के बैठे हैं, वो हमें ऑन द वे जब हम गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं तभी दिख गया। अभी अभी मम्मी ने प्रसाद लिया है। यहाँ का माहौल बहुत सुंदर है। मैं कल इवनिंग ही यहाँ से दर्शन करके गई थी, लेकिन अभी जब सुबह में फिर से आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं तो पहली बार आ रही हूँ यहाँ के दर्शन करने। गोल्डन टेम्पल की खासियत ही ऐसी है कि आप चाहे जितनी बार भी क्यों ना आओ, लेकिन आपका मन कभी नहीं भरेगा। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आज हम वापस जा रहे, काश मैं और 2-3 दिन यहाँ रह पाती। तो अब हम होटल वापस आ गए हैं, हमने अमृतसर घूम लिया है, लेकिन एक जो चीज़ रह गई वो है बाघा बॉर्डर, जो कि नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर आई एम हियर इन अमृतसर दैट विल बी द फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर श्योर। और अभी हम पैकिंग करते हैं क्योंकि आज ही हमारी फ्लाइट है, मैं और मामा वापस जा रहे हैं। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस अमृतसर ब्लॉग। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग ऑफ माइंड एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।